कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों के बहुत क्वेश्चंस रहते हैं मेरे पास कि टाइल्स को कैसे साफ करें। इससे पहले भी बहुत वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ काफी सारी तरीके जिनसे आप टाइल्स को चमका सकते हैं। आज ये स्पेशल वीडियो पूरा टाइल्स के ऊपर है और मैं आपको बताऊंगी कि किचन की गंदी चिपचिपी और बहुत ही दाग धब्बे पड़ी हुई टाइल्स आप कैसे साफ करें, और वो भी चुटकियों में और बहुत ही कम खर्चे के साथ। इसी तरीके से बाथरूम की टाइल्स भी बहुत गंदी हो जाती हैं, सारे में काई यानी फंगस टाइप लग जाती है और स्टेन्स पड़ जाते हैं, हार्ड वाटर स्टेन्स पड़ जाते हैं। तो सभी तरीके की टाइल्स आप बिल्कुल चुटकियों में क्लीन कर सकते हैं इस ट्रिक के साथ। अब जैसे आप देख सकते हैं कि ये किचन की टाइल्स हैं और बहुत ज्यादा चिपचिपी और गंदी हो गई हैं। पूरे में हल्दी के निशान लगे हुए हैं। ये वाली लाइंस जो बीच में जॉइंट्स होते हैं काफी गंदे हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। इनको मैं आपको दिखाऊंगी आप कितने आसानी से फटाफट क्लीन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सस्ते में। तो आप देख सकते हैं कि जो बीच के जॉइंट्स हैं ये वाले बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हैं, टाइल्स पर काफी सारे स्टेन्स हैं। मैं पास से दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए कितनी गंदी चिपचिपी, सभी तरीके के तेल घी के हाथ, बहुत ज्यादा गंदी हो रही है। टाइल्स क्लीन करने के लिए हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है और ना ही चीजों की जरूरत है। हमें चाहिए होगा मेन बेकिंग सोडा, इसको ईटिंग सोडा भी बोलते हैं, खाना सोडा भी बोलते हैं और मीठा सोडा भी बोलते हैं। बहुत ही सस्ती सी चीज आसानी से हर जगह मिल जाती है, आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ज्यादातर घरों में ये होती ही है क्योंकि हम बेकिंग की चीजों में, पकौड़ों में, समोसों में इसको यूज करते हैं करारा बनाने के लिए। तो हमें चाहिए होगा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा पानी, विनेगर यानी सिरका। सिरका होममेड सिरका बनाने का तरीका आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने वहां वीडियो शेयर किया हुआ है कि घर पर आप सफेद सिरका कितनी आसानी से एक ही चीज से कितना सारा बना सकते हैं, वो भी सस्ते में। तो ये मेरा होममेड सिरका है। यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे बोल में एक बेकिंग सोडा, मैं इसे कट कर लेती हूँ। थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लीजिए, लगभग 2 टेबल स्पून, और एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसमें मिक्स करते हैं थोड़ा सा पानी इस तरीके से। बेकिंग सोडा बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लींजर होता है, बहुत चीजें इससे क्लीन हो जाती हैं, वो भी बहुत ही आसानी से गंदी भी। तो चलिए इससे करते हैं टाइल्स क्लीन। एक हम लेंगे इस टाइप का पुराना टूथब्रश। टूथब्रश पुराने सभी के घर में रहते हैं, तो कोई भी पुराना आप एक टूथब्रश ले लीजिए। पेस्ट को मिक्स कीजिए। अब इस पेस्ट को मैं टाइल्स पर इस तरीके से लगाऊंगी। एक ब्रश या स्क्रबर से आप इस पेस्ट को लगा सकते हैं। इस तरीके से कोई ज्यादा मेहनत करने की इसमें जरूरत नहीं है, सब बिल्कुल क्लीन होता जाएगा। हम बेकिंग सोडा वाली पेस्ट को पूरी टाइल्स पर लगा करके छोड़ देंगे। अगर टाइल्स बहुत ज्यादा गंदी हैं, तो आप आधा एक घंटे के लिए छोड़ सकते हैं लगाकर, और अगर टाइल्स बहुत ज्यादा गंदी नहीं है तो आप 10-15 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। आपकी पुरानी से पुरानी गंदी से गंदी टाइल्स, प्लेटफॉर्म सब इस पेस्ट से क्लीन हो जाते हैं, आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें। अब हम लेंगे एक कोई भी पुरानी स्प्रे बॉटल। आप चाहें तो स्प्रे बॉटल मार्केट से भी खरीद सकते हैं, बहुत सस्ते में मिल जाती हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑनलाइन लिंक भी दे दूंगी। तो मैं एक स्प्रे बॉटल में सिरके को भर लेती हूँ। और अब हमने टाइल्स पर जहां पर बेकिंग सोडा पेस्ट लगाया था वहां पर इसको स्प्रे करेंगे। फिर आप देखिए कितनी आसानी से सारी कारोज और जो भी कालापन होता है जॉइंट्स में सब निकल जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम करेंगे इसके ऊपर स्प्रे इस तरीके से, और आप देखिए कैसे ये क्लीन होगा। आप देख सकते हैं हल्के बबल्स बनने शुरू हो गए, ये विनेगर के रिएक्शन से, बेकिंग सोडा विनेगर के रिएक्शन से पूरा डर्ट ग्रीस सब क्लीन होने लगता है। आप इस सॉल्यूशन को बना के मत रखिए, जितनी जरूरत है उसी टाइप पर पेस्ट बनाइए बेकिंग सोडा का, और उसके ऊपर फिर आप विनेगर स्प्रे कीजिए, तब वो जल्दी वर्क करता है।
दोनों का रिएक्शन से पूरा एकदम डीग्रीजिंग हो जाती है, यानी सब चिपचिप खत्म होने लगती है। और इस तरीके से बहुत ज्यादा गंदी है तो आप कोई भी स्क्रबिंग पैड भी ले सकते हैं, उससे भी रगड़ सकते हैं, वरना आप टूथब्रश से कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम स्प्रे करते जाएंगे। और ये देखिए कैसे साफ हो रहा है, पूरी लाइन स्पीच की सारी आप देख सकते हैं, सब कारोच इसमें से निकल रही है। अगर आप इसको साबुन से भी कर दे तो इतनी आसानी से ये कुछ क्लीन नहीं होता, लेकिन ये सारी लाइंस बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी विनेगर की वजह से। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितना जहां जहां मैं क्लीन करती जा रही हूँ ये क्लीन होता जा रहा है। बस इसी तरीके से हमें रगड़ते जाना है। जहां आपको लगे कि आपको जरूरत है स्क्रबिंग पैड की तो आप वहां पर स्क्रबिंग पैड भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं सारे जॉइंट्स और सब क्लीन बिल्कुल हो गए हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा पुरानी टाइल्स गंदी, या आपने काफी टाइम से साफ नहीं किए हैं, या किचन की बहुत ही चिपचिपी टाइल्स जो बिल्कुल इससे भी नहीं क्लीन होगी, उसका मैं आपको अब एक मैजिक सॉल्यूशन बताऊंगी जिससे बहुत ही काली से काली गंदी पुरानी टाइल्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी उस टॉल्यूशन से। तो ये जो है ये जनरल प्रोसेस है, हफ्ते में आप एक या दो बार इस तरीके से क्लीन करते रहें टाइल्स को तो टाइल्स बिल्कुल साफ हो जाएंगी। अब मैं इसको पानी से साफ कर देती हूँ। एक लेंगे फोम, कोई भी आप फोम या फिर कपड़ा, और पानी डाल करके हम इसको क्लीन कर देंगे। ये आप देख रहे हैं क्या हालत थी टाइल्स की, हल्दी और सब कुछ इसमें भरा हुआ था, और ये बिल्कुल क्लीन होती जा रही है। सूखने पे ये और भी व्हाइट नजर आएंगी। तो मैं पहले इसको सारा पानी से पोंछ लेती हूँ। तो ये मैंने पूरी पानी से क्लीन कर ली है, आप देख सकते हैं। और सूखने पर ये आपको बिल्कुल व्हाइट नजर आएंगे, इनके जॉइंट्स भी अभी गीली हैं टाइल्स, तो बहुत ही अच्छा तरीका है। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, अगर आपको कोई बोल रहा है सिर्फ बेकिंग सोडा से क्लीन कर लीजिए, तो बेकिंग सोडा से आप सिर्फ जनरल क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसके ऊपर स्प्रे करते हैं विनेगर की, तभी उसकी डर्ट और उसके रिएक्शन से पूरी क्लीनिंग होती है। ये मेरा टेस्टेड है, और इससे पहले भी मैंने काफी वीडियोस डाले हैं अपने होममेड क्लीनर के, तो मैं आपके साथ हमेशा वही बेस्ट टिप्स शेयर करती हूँ जिसका कुछ अच्छा इफेक्ट होता है। और जो भी बेकिंग सोडा पेस्ट या विनेगर का सॉल्यूशन आपके प्लेटफॉर्म किचन प्लेटफॉर्म पर गिरा है, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म क्लीनर भी है, क्योंकि इसमें विनेगर है, और विनेगर और बेकिंग सोडा दोनों डिसइंफेक्टेंट भी होते हैं, तो ये आपके प्लेटफॉर्म पर जो भी मच्छर मक्खी चींटी आती हैं वो भी नहीं आएंगी। आप पूरे प्लेटफॉर्म को इसी पेस्ट से भी क्लीन कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म बिल्कुल चमक जाएगा। इसी तरीके से जो पेस्ट नीचे गिरा है, और ये देखिए बिल्कुल क्लीन एकदम साफ हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है, एकदम नीट। तो इसी से आप पेस्ट से अपने किचन के काउंटर टॉप को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। जो भी इस टाइप के काउंटर टॉप्स होते हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि टाइल्स बिल्कुल सूखने पर चमचमा गई हैं, एकदम नीट हो गई हैं, शाइन कर रही हैं, और भी क्लीन लगेंगी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ये सूखती जाएंगी। और बिल्कुल आप इसी तरीके से बाथरूम की गंदी फंगस लगी टाइल्स को भी बिल्कुल सेम तरीके से साफ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही कालेपन ली हुई टाइल्स या बहुत ही गंदी चिपचिपी जो इससे भी ना क्लीन हो, उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया मैजिकल सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ, उससे सभी तरीके की टाइल्स प्लेटफॉर्म सब क्लीन हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया चीज है, तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1/4 कप बेकिंग सोडा, यानी 1/4 कप बेकिंग सोडा, खाना सोडा मैंने लिया है 1/4 कप, लगभग 4 टेबल स्पून है ये। ये मैंने ली है डिश जेल, जिससे हम बर्तन धोते हैं, ये भी हमें लेनी होगी 1/4 कप, 4 टेबल स्पून के करीब। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन। हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन आपको किसी भी केमिस्ट शॉप में आराम से 20 रुपए में मिल जाता है। ये 20 रुपीज की आप देख सकते हैं बॉटल है, और बहुत ही बढ़िया मार्बल के लिए, ग्रेनाइट के लिए, सभी चीजों के लिए बहुत ही बढ़िया स्टेन रिमूवर है। एक आप परचेज कर लीजिए, आपकी बहुत सारी चीजों में काम आएगा। किसी भी जनरल केमिस्ट शॉप पर आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन के नाम से ये मिल जाता है। तो यहाँ मुझे ये चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में ले रही हूँ लगभग 2 टेबल स्पून।
अच्छी तरीके से अब इस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए, टाइल, ग्राउट और जितना भी बाथरूम में या आपको किचन में या मार्बल, जो सफेद मार्बल पर निशान पड़ जाते हैं चाय के या ऑयल के, बस आप इस पेस्ट को लगा करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद एक अच्छी स्पॉन्ज से या स्क्रबर से क्लीन कर लें, बिल्कुल साफ हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। तो चलिए मैं इससे आपको क्लीन करके दिखाती हूँ टाइल्स। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये किचन की टाइल्स हैं और आप ये देख रहे हैं कि इसका जो एक ग्राउट है ये काफी काला पड़ गया है, क्योंकि इसमें सब ऑयल और डस्ट भर गई है और इस टाइप की हालत किचन की ज्यादातर टाइल्स में हो जाती है। तो हमने जो सॉल्यूशन बनाया है, एक लीजिए पुराना कोई भी टूथब्रश और इस सॉल्यूशन को मैं इसमें लगा करके 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी। इस तरीके से, और रेस्ट टाइल को भी इसी से क्लीन कर दूंगी। और लगभग 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, इसको अब हम क्लीन कर लेते हैं। एक स्क्रबिंग पैड लेकर के सारे ग्राउट यानी जो जॉइनिंग लाइंस हैं उसको हम रगड़ देंगे। और ये देखिए आप जादू, बिल्कुल क्लीन। मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल ये ब्लैक हो रही थी और अब ये बिल्कुल क्लीन हो गई है। इसी तरीके से यहाँ भी इसको भी स्क्रब कर लेते हैं टाइल्स को। तो आप बाथरूम की, किचन की, जहाँ भी टाइल्स लगी हुई हैं या आपके घर में टब है बाथरूम में, सभी चीजें आप इससे बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव, इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छा स्टेन रिमूवर है। जहां पर भी बहुत ज्यादा कहीं स्टेन्स लगे हुए हैं तो फ्लोर पर या कहीं भी आप इस पेस्ट को जो हमने बनाया है उसको आप यूज करें और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा आपका फ्लोर भी। अब मैं इसको साफ कर देती हूँ एक गीले कपड़े से। देखिए बिल्कुल चमचमा गई हैं टाइल्स और एकदम उनके बीच की लाइन भी बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब इसके अंदर कोई भी ऑयल और ग्रीस नहीं है। और ये डिफरेंस आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए जो हमने क्लीन किया है वो हिस्सा है। और मैं इसके नीचे ले जाती हूँ कैमरा और ये देखिए ये कितनी गंदी हो रही है। तो आप ये डिफरेंस को देख सकते हैं कि ये लाइन पूरा साफ हो गई है, टाइल्स बिल्कुल क्लीन हो गई है और नीचे काफी अभी गंदा है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जैसे किचन में और बाथरूम में फ्लोरिंग पर आपने देखा होगा टाइल्स लगी रहती हैं और ज्यादातर सफेद टाइल्स लगा देते हैं बिल्डर्स, और देखिए कितनी गंदी हो जाती है ये। अब इसको अगर हम साबुन से क्लीन करेंगे तो ये ज्यादा साफ नहीं होने वाली, लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड के सॉल्यूशन से, जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी भी काली पड़ी हुई टाइल्स या आप प्लेटफॉर्म क्लीन कर सकते हैं, उसी तरीके से जो भी टाइल्स की फ्लोर है या चाहे बाथरूम की हो या किचन की, आप बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन को मैं लगा देती हूँ इस लाइन पर, ये जो ग्राउट है इसका जॉइंट इस तरीके से, और आप टाइल्स पर भी लगा दें जहां भी स्टेन है। 15-20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। मेरे पास बहुत व्यूअर्स के क्वेश्चन थे कि फ्लोर को कैसे क्लीन करें टाइल वाली, तो अब आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। इसको हम छोड़ देंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हमने किस तरह साफ किया। 15 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि अब ये कैसे क्लीन होगा इतनी आसानी से। इस तरीके से एक पुराना टूथब्रश की मदद से हम इसको रगड़ते जाएंगे और ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितना कालापन इसमें से निकल रहा है। आप चाहे तो इसको स्क्रबर से भी रगड़ सकते हैं। और आप ये देखिए कितना ये क्लीन होता जा रहा है, जो भी बीच की लाइंस थी टाइल्स की वो पूरी क्लीन होती चली जाएंगी, बस थोड़ा सा आपको रब करना है। तो मैंने इसको हल्का सा स्क्रब किया है, अगर बहुत ज्यादा गंदी है तो आप 1-2 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। अब मैं गुनगुना पानी डाल करके इसको पूरा साफ कर लूंगी इस तरीके से।
और आप देखिए जो लाइंस बहुत काली हो रही थी वो काफी क्लीन हो गई हैं सूखने पर, ये और आपको बिल्कुल व्हाइट नजर आएंगी थोड़ी देर बाद। आप देख सकते हैं जो टाइल मैंने क्लीन की थी वो काफी साफ हो गई है और आसपास की जो लाइंस हैं और टाइल्स हैं उनके बीच के जॉइंट्स देखिए कितने काले हैं, और जो मैंने अभी साफ किया उसका कंपैरिजन आप देख सकते हैं किस कितनी साफ हो गई सूखने पर। तो इसी तरीके से आप अपने घर की जो भी टाइल्स की फ्लोरिंग है वो क्लीन कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी सॉल्यूशन से जैसे मैंने आपको बताया मैंने अपने बाथरूम की भी सारी टाइल्स क्लीन कर ली हैं। आप देख सकते हैं सारे इसके बीच के जॉइंट्स बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। मैंने बाथरूम की टाइल्स को भी इसी तरीके से क्लीन किया है, अभी बिल्कुल चमचमा रही हैं। अभी अपने बाथरूम की टाइल्स को बिल्कुल इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो आज पसंद आया होगा और आप अपने घर की टाइल्स प्लेटफॉर्म इसी तरह चमका सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों ट्रिक बता दी है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल।